भाई चैनल को कर दो फटाफट सब्सक्राइब और घंटी दबा दो, वरना दिक्कत कर देंगे। जई तो गलत हो जा। रात के लिए तो यहाँ शुरू से ही पाबंदी है, देखिए 6-7 बजे के बाद में अपने घर चले जाएंगे सब जने। यहाँ से रात को निकाल देते हैं 8 बजे के बाद। तो टाइम और इस टाइम 12:16, गूगल टाइम मैंने दिखा दिया है। और पहले तो सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो भाई आज हम आए हैं कोटला फिरोज शाह में। भाई कोटला फिरोज शाह तो यार स्टेडियम था जहां हम जाया करते थे कभी मैच देखने। भाई उसी के साथ में ना फिरोज शाह कोटला फोर्ट है। लेकिन ये किला है ना बड़ा मशहूर है अपनी खूबसूरती के लिए नहीं। लेकिन किस लिए मशहूर है ये किला? भाई ये किला मशहूर है आस्था के लिए। अच्छा, जिन्नों के लिए और हॉन्टेड प्लेस के लिए। तो यार हम यहाँ पे सुबह भी तो आए थे। हम यहाँ पे सुबह आए थे तो रात को आए हैं। पहली बात तो टाइम देख लिया होगा सबने, गूगल टाइम, और देख भी लिया होगा कि कितने बजे तक होता है कितने बजे तक नहीं होता। फिर भी आपके लिए रात को आए हैं और आपको दिखाते हैं फिरोज शाह कोटला की सुबह। काफिला जिन्नों का है यहाँ पर। यहाँ पर सभी मन्नत मांगने आते हैं, सबकी दुआ पूरी होती है। मेरी भी एक दफा मन्नत पूरी हुई है। की श्रद्धा ये है भाई, जो भी मांगते हैं वो यहाँ से मिलता है उन सबको। जगह का नाम है कोटला फिरोज शाह। तो भाई हम सुबह भी आए थे यहाँ पे और लोगों से बातें भी करी थी। हाँ भाई बातें की थी, तो दिखाते हैं इनको सुबह क्या बातें करी थी लोगों से। तो चलो दिखाते हैं फिर क्या बताया लोगों ने यहाँ के बारे में। हाँ इसमें है, ऐसा हुआ कि कई बार बच्चे हमारे जो थे झपेटे में आ गए और उसके लिए हमें किसी मौलवी साहब ने बताया फिरोज शाह कोटला ले जाओ, वहाँ ले जाके इसके दर्शन कराओ। दर्शन कराने के अंदर जो है इतने वीरवार या इतने शुक्रवार में इस बच्चे के ऊपर जो झपेटा है वो हट जाएगा। मुझे तो बहुत टाइम हो गया, कम से कम 15-16 साल हो गए आते आते। मैं यहाँ करीब 17 साल से आता हूँ भाई, मेरे पे कोई बच्चा नहीं था लड़का। आज ऊपर वाले की दयन, इन लोगों का करिश्मा 3 है। यहाँ हर दर में अगरबत्ती लगाते हैं और दुआ मांगते हैं। बहुत से तो ऑयल डाल देते हैं चिराग में, बहुत से अगरबत्ती लगा देते हैं। ये है जिन्नातों का हिसाब, जैसे अपने दरगाह है। अच्छा, दरगाह में एक अलग चीज है और जिन्नात का जो है वो है आग का बनाएगा। जिन्नात ही है यहाँ सारा असरात जिन्नातों का है। जिन्हो जिन्नात कह के मशहूर होते हैं। यार यहाँ पे ना मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगी। क्या? लोगों की जो यार आस्था है ना, लोग जिस उम्मीद से यहाँ पे आते हैं उनका विश्वास। लेकिन 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 भाई एक शख्स मिला हमें यहाँ पर, मिलवाते हैं आपको उस शख्स से। अंधविश्वास है यहाँ के बारे में कम से कम 20 साल से। बिल्कुल हम देख रेख करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, देखभाल भी करते हैं, सारा हमारा सिस्टम यही है बस। और जो लोग ये बैठे ना, ये अंधविश्वास की वजह लोगों ने धंधा बना रहे, जो जो बत्ती करते ना इससे मोन्यूमेंट का नुकसान हो रहा है, पूरा मोन्यूमेंट खराब हो रहा है। बिल्कुल कहते हैं जिन आते हैं कुछ भी नहीं, हम लोग यहाँ पे नौकरी करते हैं, यहाँ बैठते हैं पूरी रात, हमारे सिक्योरिटी गार्ड भी, हम भी यहाँ पे नौकरी करते हैं। अभी तक आज हमने 20-25 साल से कुछ नहीं देखा है। हम लोग इसकी साफ सफाई करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, इसका देख रहे पूरी देखभाल करते हैं, पर ये लोग नहीं मानते। अब आपने देखा होगा यहाँ पे भूत प्रेत का ये वो करते लोग, क्या चीज़ है वो, कुछ भी नहीं है। हम इस मोन्यूमेंट की इतनी देखभाल करते हैं शायद किसी कोई भी नहीं करता होगा, पर पब्लिक जो है ना यहाँ की लोकल जो पब्लिक है उसका अंधविश्वास के चक्कर में ना इस पूरे मोन्यूमेंट का सत्यानाश करते हैं लोगों ने। कोई यहाँ पे धूपबत्ती कर रही है, कोई ताला लगा रहा है, क्या चलता है ये? इस चीज को आप देखिए ना, कोई भूत प्रेत यहाँ पे, ना कोई जिन है। एक साधारण किला है ये हमारा, एक ऐतिहासिक प्लेस है, हम उसी तरह उसको देखते हैं बस।
भाई देखो ये है क्या भाई? ये बावली है यहाँ की, जहाँ पे रानियाँ नहाया करती थी, इसके बारे में। और यहाँ पे ना भाई नॉर्मल बंदे की एंट्री नहीं है, चाहे दिन हो चाहे रात, ये ताला हमेशा लगा रहता है, तो इसको कोई देख नहीं पाया। तो भाई रियल वन तो सब दिखाता है यार, वो भी सच। तो दिखाएंगे भाई। तो भाई ये हम जो आपका फ्रेश शाह कोटला है उसकी बावरी है, यहाँ से पानी का सोर्स होता था। और अंकल बताएंगे हमें इसके बारे में, ये इस किले के लिए सप्लाई होती थी यहाँ पानी की, यहाँ पे रानी वगैरह जो आती थी ना यहीं से पानी भरती थी, और नहाना वाना सब भी होता है पूरे किले के अंदर, जो है ना पानी का सोर्स यहीं से निकलता था बस, ये सारा सिस्टम। आपने किसी वीडियो में नहीं देखा हुआ यूट्यूब की कि ये, क्योंकि ये आम पब्लिक के लिए अलाउड नहीं है यहाँ पे आना, तो अंकल की वजह से हम यहाँ पे आ पाए। चलो कोई नहीं, वो तो आपको दिखाने के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए हमने भी ये सोचा है। तो चले भाई बाय बाय करते हैं यार, बहुत टाइम हो गया, लेट हो गया, अब सोने का टाइम है यार। तब पागल है क्या तू? अब क्या हो गया भाई? दिखाता हूँ, आ जा। तो समीर भाई अभी तो सब कुछ रह गया, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो बताओ समीर भाई कुछ। भाई ये जो किला था ना, ये 1354 में बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया, तब उन्होंने दिल्ली के पांचवें शहर फिरोजाबाद का भी निर्माण कराया था। और इसमें मदरसे, बावली, हॉस्पिटल जैसी चीज़ों का भी इन्होंने निर्माण कराया, और एक जामी मस्जिद का भी निर्माण कराया उन्होंने। तो धीरे धीरे ये जो किला था ना, ये खंडर में तब्दील होता गया, और जिन्नात जैसी जो चीज़ें थी वो इस किले के साथ साथ जुड़ने लगी। तो लोगों का जो डर था ना, वो लोगों के अंदर डर बैठ गया, आने से लोग डरने लगे। तो यहाँ पर एक संत आए, संत बद्रुद्दीन, उन्होंने ये दावा किया कि जिन्होंने उनसे बात करी है और उन्होंने से आग्रह कराया कि दोबारा से इस मस्जिद के अंदर नमाज अदा की जाए। तो भाई संत बद्रुद्दीन ने यहाँ समझाया लोगों को, उन्होंने यहाँ पर बोला कि जिन वगैरह जो जैसी चीज़ें हैं ना, कुछ अच्छे जिन भी होते हैं, कुछ बुरे जिन भी होते हैं, यहाँ पर अच्छे जिन हैं। तो तब से यहाँ लोगों का ताता आना शुरू हो गया, तब से लोगों के अंदर से डर खत्म हो गया, तो लोग यहाँ आने भी लगे। तो चलो समीर भाई ने हमें बताई यहाँ की हिस्ट्री, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, क्या है यहाँ पे। भाई हम यहाँ कर रहे हैं एक्सप्लोर, और है ना, एक्सप्लोर तेरा भुप्पा करेगा ना भाई, रियल वन वाले करेंगे हैं, द रियल वन वाले करेंगे भाई। खड़ा हो फिर, आ जा यार, थोड़ी सी देर बिजी हो गए, सो गया। सॉरी भाई, दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं चीजें क्या है क्या नहीं है। और ये शायद आपको कैमरे में दिख रहा होगा, ये जो लट है, ये बेसिकली जो है ये अशोक पिलर है, जिसको हिस्ट्री में बताया गया अशोक पिलर के नाम से। ये दोस्तों यहाँ की जामी मस्जिद है, बताते हैं ऐसा कि यहीं पर सारी वो होती हैं। और ये मैं आपको दिखाता हूँ कुछ यहाँ की थोड़ी सी चीज़ें। तो भाई यहाँ पे है ना, ही है जिसके बारे में आपने देखा था, ताले लगाए जाते हैं और लोग अपनी मन्नतें चिट्ठी में लिख के यहाँ पे करते हैं। बताते हैं भाई वो एक काम करे, अब क्या यार, लाया क्या कॉपी पेन? नहीं कॉपी पेन पढ़ाई से तो पुराना। अरे लैम्बोर्गिनी फरारी फुरूरी लिख के टांग देते यार भाई मेरे को तो मिल गई है, मैं सोच रहा लिख के डाल देते। चलो कोई नहीं भाई, आना भूल गए ना अगली बार। ये है भाई, मैं सुबह आया था ना, तो यहाँ कोई गिर रहा, कोई पड़ रहा। अच्छा, अरे भाई पूछो मत यार, बुरा हाल था। एक आधा मिला भाई? मिला तो कुछ नहीं, ये देखो अभी भी यार। पता है क्या है समीर भाई, ये बहुत सुंदर एक किला है यार अपना, ऐतिहासिक, बहुत बहुत ज्यादा सुंदर है, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा सुंदर है। और है ना, पता है प्रशासन भी इस बात की बारे में चिंता जता चुका है, इस चीज के बारे में सागर। क्या भाई? अच्छा, ये जो जो दीवारें काली पड़ रही है ना, और बता रहे हैं इससे दीवारों को हार्म हो रहा है, ये किला उतनी अपनी पूरी उम्र तक टिक नहीं पाएगा। तो भाई देख जरा ये क्या बने हुए हैं छोटे छोटे, यहाँ पे अंदर
वही लोगों की आस्थाएं हैं यहाँ पे, ये लगाते हैं, ये हर जगह बने हुए हैं, ये देखो आप। तो फिर यार इसे भूतिया जगह क्यों बोलते हैं लोग? भूतिया जगह यार, अब ये तो देख मैं इसका दावा नहीं कर सकता भूतिया जगह क्यों बोलते हैं, समीर भाई को पता होगा, समीर भाई बताएं कुछ। तो भाई भूतिया जगह तो खैर कुछ नहीं है यहाँ पर, कहते हैं जिन्नों का राज है, जिन वगैरह है, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है कि यहाँ उनकी मनोकामना पूरी हो जाए। अच्छा यार मैं फिर वही बात है कि मैं कुछ बोलता हूँ ना तो मैं नेगेटिव हो जाता हूँ क्या मुझे, तो यार मैं कुछ बोलता हूँ ना तो मैं नेगेटिव हो जाता हूँ लोगों की नजरों में। भाई बोलते भी तो सच्चाई है हम। अच्छा एक बात बताओ, ये जो जिन है ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं? अगर ये लोगों की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, तो गरीबों की सहायता करें ना भाई। हिंदुस्तान में इतनी गरीबी हो रही है, इतनी बेरोजगारी है, इसका हल निकाल सकते हैं तो निकाले यार। वो तो निकल पाएगा भाई, नहीं मुश्किल लग रहा है। अच्छा यहाँ पर अभी कुछ भाई ये किसी ने जोत जला रखी है, मैं दिखाता हूँ आपको ले जाके। भाई इतनी रात में आस्था है भाई, विश्वास। ये देखो भाई ये चूड़ियां बांधी हुई हैं, दीवार पूरी काली हुई हुई है, सिंदूर गुलाल लगाए हुए हैं। और अच्छा एक चीज और देख सकते हैं क्या, इस पे क्या लिखा हुआ है? एडवर्टाइजमेंट। अच्छा ये एडवर्टाइजमेंट कर रखी हुई है लोगों ने अपनी। और ये देखो अंदर भी इसके एक दिए जल रहे हैं, एडवर्टाइज भी कर रहे हैं। सागर हाँ भाई, तू दिन में भी आया है यहाँ पे, हाँ शाम को भी आया है, रात को भी आया है, क्या फील हुआ तेरे को? यार मुझे तो ऐसा कुछ ऐसा सच फील हुआ ही नहीं यार अभी तक। फील हुआ क्या है? मतलब फील यही हुआ यार, लोग एक उम्मीद लेके और अपने पंख लगा के अपने हौसलों पे आते हैं और एक विश्वास से जुड़ी हुई चीज है ये। बाकी मेरा यही कहना है मॉन्यूमेंट्री के बारे में क्या? हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मैं इसी पे आ रहा हूँ। देखो यार ये ना सब दीवारें खराब होती जा रही हैं, इन फ्यूचर जब हम बड़े हो जाएंगे, हमारी शादी हो जाएगी, हमारे बच्चे हो जाएंगे, हम उन्हें क्या दिखाएंगे यार? हमारे दिल्ली और इंडिया में क्या था, हम एक हिस्टोरिकल प्लेस खो रहे हैं। मुझे मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है, समीर भाई आप क्या कहोगे इस बात के ऊपर? आप रात के भाई 1-1.30 बजे यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, जहाँ पे लोग आने की हिम्मत नहीं करते हैं और बोलते हैं आगे बारे में कि भाई यहाँ पर ये है वो है, भूत चिपट जाएगा, ये हो जाएगा, आप इसके बारे में? भाई मेरा मानना तो यह है कि यह है साइकोलॉजिकल इफेक्ट। आदमी काम करेगा, खाना खाएगा, पैसे कमाएगा तो उसके पेट में जाएंगे। अगर वो दिए जलाएगा यहाँ पर, कपड़े चुन्नी साड़ियाँ वगैरह जानेगा, तो बांधने से क्या उसको, अगर वो काम नहीं करता यहाँ पर चूड़ियाँ आप कपड़े बांध के चला जाएगा तो उसको खाना मिल जाएगा, उसके परिवार को मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आदमी मेहनत करेगा, कमाएगा। समीर भाई हाँ, इतना फायर मत करो, कंट्रोवर्सी हो जाएगी भाई हमारी वीडियो में। तो रियल वन की ऐसी कोई वीडियो है क्या जिसमें कंट्रोवर्सी हुई ना हो? पर हम सच्चाई बोलते हैं, सच हमेशा बुरा लगता है लोगों को। कोई नहीं समीर भाई, ठीक बात है, हमने दोनों साइड दिखा दिए हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, और किसी के साथ नहीं बोल रहे। दुनिया भाई बहुत बढ़िया, जिसके दिल में जो आए वो करे। मैं तो कह रहा हूँ माला चढ़ानी हो किसी को, कुछ चढ़ाना वो भी चढ़ा दे, कम रह गया हो तो कोई बात नहीं भाई। मैं यही चीज बोलना चाहता हूँ कि हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे और किसी के साथ नहीं बोल रहे। आपको दोनों पहलू दिखा दिए इस वीडियो में, आप जज करो क्या सही है क्या गलत है। बाकी हम इस टाइम रात को यहां पे खड़े हैं आपका और आपके लिए, आपका बहम दूर करने के लिए। हाँ आप ये देखो ना, ये देखो ना, ये लोगों ने आप कचरा फैला रखा है, ये देखो बोतल फेंक रखी है, ये सब चीजें कर रखी है, ये है ना इनमें, देखो ओ तेरी की भाई यार, ये समोसे की चटनी है, ये गंद भर रखा है। घुसो भाई घुसो, अंदर घुसो, शॉट ले भाई। भाई भाई ये हमारी मॉन्यूमेंट्री, भाई ये हमारी मॉन्यूमेंट्री कोटला फिरोज शाह। दीवारें देख लो सामने, जो शॉट्स लगे हुए हैं जूम करके भाई दिखा जरा, वो जो कागज लगे हुए हैं देखो भाई, देखो आप आगे आ जा, आगे आ जा भाई, आगे आ जा। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, छेड़ो मत समीर भाई, कोई दिक्कत नहीं है।
क्या कहेंगे इन चीजों को, आप खुद डिसाइड करो, हम डिसाइड नहीं कर सकते ये चीजें कि इन चीजों को हम क्या कहेंगे या क्या नहीं कहेंगे, ये चीजें डिसाइड करेंगे आप। बाकी और दिखाते हैं आपको, ठीक है भाई। तो भाई आपको जितना दिखा सकते थे दिखा दिया सारा, दिन के शाम के आपके लिए मेहनत करी फिरोज शाह कोटला में, डिमांड्स थी लोगों की, और द रियल वन पे ही ये मिलेगा आपको देखने को, क्योंकि दिखा भी दिया ना क्योंकि दिखा दिया जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो तो भाई कोई कर नहीं सकता ना, द रियल वन तो रियल वन है ना भाई। तो मेरे भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखने के लिए प्यार बनाए रखें, और जो रियल चीजें देखनी है तो रियल वन को ही सब्सक्राइब, डर को दिक्कत कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।